अगस्त 1967 में अमरनाथ की यात्रा में बाबा नीम करोली जा रहे थे तो कुछ काम ऐसे हुए जो असंभव थे। नमस्कार मित्रों, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में वर्ष 1967 में बाबा नीम करोली अमरनाथ की यात्रा पर गए थे। अमरनाथ की यात्रा बहुत लोग जाते हैं और महाराज जी गए तो महाराज जी के साथ कई भक्त थे, माइयां थी और गाड़ी चली जा रही थी। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लिया और कहा, महाराज जी कुछ खराब हो गया इसमें। तो उसने कहा, संभलवा। महाराज जी ने कहा, संभलवा। तो अब एकदम सड़क पे कहां मिस्त्री मिले। तो उसने कहा, महाराज जी थोड़ा सा आगे कस्बा है, उसमें संभलवाएंगे। ये बात है, आप जम्मू से श्रीनगर के बीच में है, समझ गए ना, रास्ता वही है। और 1967 में वो साधन नहीं थे जो आज हैं। गाड़ी एक कस्बा में पहुंचती है, एक मोटर मैकेनिक से मुलाकात होती है, दुकान रखे हुए है, सब लोग उतर जाते हैं गाड़ी से और वो गाड़ी उनके हवाले कर दी जाती है। जीप को वो ठीक कर रहा होता है मैकेनिक। महाराज जी बैठ गए हैं, उनकी माइयां बैठ गई हैं, जो और भक्त हैं वो साथ में बैठे हुए हैं, सिद्धि माँ भी उस यात्रा में थी। थोड़ी देर में ड्राइवर आता है, कहता, महाराज जी वो तो और ज्यादा खराब हो गई। तो महाराज जी ने, मैं क्या करूं भाई, महाराज जी भी मैकेनिक तो है नहीं, है ना। तो मैं क्या करूं, ड्राइवर कहता है कि सब वो गियर भी उसका पड़ना बंद हो गया, अभी तक गियर पड़ रहा था सही से। फिर वो दौड़ के मैकेनिक के पास जाता है और मैकेनिक अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पूरी योग्यता लगा देता है, गाड़ी जिस अवस्था में खराब लाई गई थी वो वहां से सुधरने की बजाय और ज्यादा खराब हो गई। अब महाराज जी के पास आना था, फिर आए, बोले क्या करें। महाराज जी ने कहा, ट्रक में बांध लो। अब ट्रक में गाड़ी बंध जाएगी तो उसके सारे चले जाएंगे। लेकिन गुरुदत्त शर्मा, मैंने आपको उनकी पत्नी के इंटरव्यू करवाया है ना, बेटी से भी मिलवाया था, तो गुरुदत्त शर्मा जी कहते हैं कि महाराज जी बैठ जाओ आप गाड़ी में। कहते, खराब गाड़ी है, क्यों बैठ जाऊं, क्या कह रहा है, डांटते बुरी तरह से। लेकिन गुरुदत्त शर्मा कहते हैं, आप केवल बैठ जाओ और गाड़ी चलने लगेगी। महाराज जी कहते हैं, नहीं मैं नहीं बैठूंगा, खराब गाड़ी में क्यों बैठूं। फिर गुरुदत्त शर्मा कहते हैं, ये माइयां हैं, ये लोग हैं, कहां रुकेंगे इस बेहड़ में। बहरहाल महाराज जी कुछ अप्रसन्न से रहते हैं और अप्रसन्नता तो उनकी दिखावटी थी कि मानव लीला में ये होता है। महाराज जी बैठते हैं। अब महाराज जी जिस गाड़ी में बैठते हैं तो वो आदेश दिया करते थे, लेकिन उन्होंने ड्राइवर से ये नहीं कहा चलो। गुरुदत्त शर्मा ने कहा चलो। महाराज जी तो अप्रसन्न है ना, और ज्यों उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी चल पड़ी। अब गाड़ी चल रही है, पहाड़ी रास्ता है, आप देखा है जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो पहाड़ पड़ते हैं, पहाड़ों में चलना पड़ता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, गियर बदला नहीं जा रहा है, ब्रेक फेल है, असंभव कार्य, और गाड़ी चल रही है। रात में गाड़ी चलती रहती है इसी अवस्था में, और जब वो श्रीनगर पहुंचते हैं तो गाड़ी विधिवत रूप से जैसे चलनी चाहिए थी वैसे ही चल के आई है। गाड़ी को रोक दिया जाता है और फिर श्रीनगर में उस गाड़ी को दिखाया जाता है, तो उसकी पूरी ओवरहॉलिंग होती है, उसमें बहुत सारी खराबी लगती, और जो मैकेनिक है वो ये पूछ रहा है, ये चल के कैसे आई है, जब गियर बदला नहीं जा सकता, ब्रेक लगाई नहीं जा सकती, है ना। रात की बात बताऊं मैं आपको, गुरुदत्त शर्मा बहुत दिनों तक महाराज जी की सेवा में रहे, बरसों बरस। उनकी पत्नी ने यह बताया था कि लगातार 4 वर्ष तक
गुरुदत्त शर्मा कानपुर रेलवे स्टेशन पर नौकरी करते थे। 4 वर्ष तक लगातार वो कैची धाम में बने रहे और वहां उनकी उपस्थिति भी रही। नौकरी करता ना कोई और कौन होगा, महाराज जी का एक स्वरूप जरूर गुरुदत्त शर्मा के रूप में कानपुर जाता होगा। तो ऐसे चमत्कार शर्मा जानते थे और गाड़ी बिना गियर के, बिना ब्रेक के। और एक और उसमें बताया कि जितना पेट्रोल जम्मू में था, गाड़ी जम्मू से श्रीनगर पहुंच गई, पेट्रोल उतना ही बना रहा। तो ये जो काम असंभव से होते हैं वो संभव हो जाते हैं यदि आप अपनी आस्था बनाए रखें। तो महाराज जी के 1967 के अमरनाथ यात्रा के क्षण, उनके को संस्मरण इन्हीं के भक्तों ने बताए और मैंने यह एक संस्मरण, बहुत सुंदर संस्मरण आपसे साझा किया है। कैसा लगा? अच्छा लगा तो क्या आज कह दूं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब